तो आज वीडियो में मैं सिखा रही हूँ आप लोगों को रेसिपी कैपुचिनो कॉफ़ी की, तो प्लीज़ ट्राई करिएगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू व्लॉग। और आज कुछ हम चीज़ें निकाल रहे हैं, कपड़े निकाल रहे हैं, ताकि आज हम जाएंगे सुफियान का जाएंगे आज हमको जा रहे हैं सपा आज हम जा रहे हैं सुफियान की नानी के घर, क्योंकि सुफियान माँ बहुत ज़्यादा खेलता है, इंजॉय करता है, तो इसको थोड़ा एंटरटेनमेंट करने के लिए मैं वहीं लेके चल जाती हूँ, ताकि थोड़ा सा इसका दिल बहल जाए। और ये भी नाराज़ हो रहा है क्योंकि मैंने इसको डांटा है। सूफी सुफियान नाराज चला गया, क्योंकि इसको पता चल जाता है कैमरा ऑन हो गया। यार कब पहन के जाओगे, ये पहन के जाओगे नानी के घर। अभी निकाल लेना कपड़े। चलो अब हम कपड़े निकालते हैं और फिर उसके बाद हम नाश्ता करते हैं, रेडी होते हैं और फिर मिलते हैं। सपा खुद डिसाइड करता है अपने लिए कपड़े, और सपा भी अपने लिए कपड़े खुद डिसाइड करती हैं, क्योंकि इनके नखरे बहुत हैं। तो अभी हम कपड़े डिसाइड करते हैं और फिर उसके बाद आप लोग को भी दिखाते हैं कि हम आज सुफियान और सपा क्या पहन चुके हैं। सुफियान हम कहाँ जा रहे हैं आज? हम जा रहे हैं अगेन नानी के घर। आपने तोड़ दी लग रहा है। वो सर्दी है ना, सर्दी में तो तीसी भी लगती है, दर्द होता है। डिनर में है दही बड़े विद कबाब, बहुत यम्मी मम्मा ने बनाए हैं। तो आज हम बना रहे हैं कॉफ़ी, और कॉफ़ी के लिए हम एक कप में लेंगे 4 टेबल स्पून चीनी। ये 6 से 7 कप बन जाएंगे। मैंने ये स्पून जो आपको दिख रहा है वीडियो में, ये मैंने 4 टेबल स्पून लिया, और ये नेस्कैफे की कॉफ़ी है, बहुत क्रीमी, घर में इजीली बनाए, ना बीटर की ज़रूरत ना किसी चीज़ की ज़रूरत, बस फॉक लें, वो जो आपका कांटों वाला चमचा उसको लें और आराम से इसको बीट करें, बहुत इजीली बनता है, आप देखें।
3 टेबलस्पून मैंने कॉफ़ी ली है, 4 टेबलस्पून मैंने चीनी ली है, हॉट वाटर किया है, हॉट वाटर को मैंने 2 स्पून इसमें मैं डालूंगी, ठीक है, आप अपने हिसाब बस इतना बीट हो जाए नॉर्मली, ठीक है, 1 टेबलस्पून, अब ये सेकंड, अब हम इसको करेंगे अच्छी तरीके से बीट फॉक से, बहुत अच्छे से कि ये बीट हो जाए बिल्कुल जैसे क्रीमी क्रीमी सा हो जाए। तो अब हम इसको करते हैं बीट, ये देखिए कितने अच्छे से ये चीनी मेल्ट हो जाएगी और कॉफ़ी पूरी अच्छी तरीके से बीट हो जाएगी, ये देखें ये इसकी शक्ल चेंज होती जा रही है, इसका कलर देखें कैसा कलर था अब कैसा कलर हो रहा है, चीनी बिल्कुल अच्छे से बीट हो गई, कॉफ़ी बीट हो गई, ये देखें फाइनली, ये देखिए कितना क्रीमी क्रीमी इसमें, ओ माई गॉड, आप ट्राई करें ऐसी घर में, बहुत बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। आप ये सब कप्स में 1 स्पून मैं कॉफ़ी ऐड कर रही हूँ, और ये इसमें कॉफ़ी डाली, ये सारे मैंने कप्स में कॉफ़ी ऐड कर दी, अब हम इसमें करेंगे मिल्क ऐड, अब ये हो रहा है इसमें मिल्क डालेंगे, मिल्क 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 कप फाइनली बने, और जिसमें मैंने बीट करी थी ना कॉफ़ी वो उसमें बीट हुई भी है तो वो इतने क्लियर नहीं होगा, इतना साफ़ नहीं होगा, तो ये नेस्कैफे की कॉफ़ी, और देखे कितनी क्रीमी बनी है, बहुत ही यम्मी, और मैंने 1 कप वो, तो ये कितने कप हो गए, 5, 6 कप हमने रेडी करे हैं आपके सामने, मैंने कितने टेबल स्पून लिए थे आपको मैंने बताया, और थोड़ी सी कॉफ़ी इसके ऊपर हम थोड़ी 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 डाल देंगे, उससे इसका कलर इतना ज़बरदस्त लगेगा ना कि आपको पीने में बड़ा मज़ा आएगा। ये फाइनली हमारी कैपेचिनो कॉफ़ी रेडी हो गई है, हम करेंगे इसको इंजॉय।